हेलो फ्रेंड, मैं अर्षद अय्यूब गुरुकुल कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज आपके स्क्रीन पे जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, जो कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा होगा, ये हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा हुआ है। और त्रिकोणमिति का जो मैंने जो भी क्वेश्चन करवाया हुआ है, उसी का एक पार्ट और होता है। तो उसको किसी बुक में, जैसे आप किरण बुक को उठा लें तो त्रिकोणमिति में ही मिलेगा, किसी बुक में अलग से एक चैप्टर दे दिया गया है और उसका नाम दे दिया गया है हाइट एंड डिस्टेंस। दरअसल वो आपका त्रिकोणमिति का ही पार्ट होता है, यानी जो भी क्वेश्चन होता है वो समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है। अर्थात समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का बनता है, जिसमें आप सभी को पता है कि अगर अगर इस कोण के थ्रू हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी एच से इसको डिनोट किया जाता है। आधार को बेस यानी बी से डिनोट करेंगे हम लोग, और लंब को परपेंडिकुलर यानी कि पी से हम लोग डिनोट करेंगे। क्लियर है? एक बार रिवाइज करने के लिए, हालांकि ट्रिक से मैंने आप सभी को याद करवा दिया है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद भी होगा, तो इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। 0 साइन 30 डिग्री का 1/√2, 1/2 साइन 45 डिग्री का 1/√2, और साइन 60 डिग्री का √3/2, और साइन 90 डिग्री का 1 होता है। कॉस का वैल्यू जस्ट पलट जाता है आपका, यानी कॉस 0 का 1 हो जाएगा, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2, और कॉस 60 का 1/2, और उसके बाद कॉस 90 का 0 डिग्री होता है। टेन थीटा की बात करें तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, टेन 30 डिग्री की बात करें तो 1/√3, टेन 45 डिग्री का 1 होगा, टेन 60 डिग्री का √3, और टेन 90 डिग्री का इनफाइनाइट होता है। अब कॉट की बात करें तो कॉट वाला वैल्यू बदल जाता है, यानी कॉट 0 डिग्री, मतलब जो आपका टेन का वैल्यू था इसी को अगर रिवर्स कर दे तो वो आपका क्या बन जाता है, कॉट थीटा का वैल्यू, यानी कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, कॉट 30 डिग्री का √3, कॉट 45 डिग्री का क्या होता है, 1 होता है, और कॉट 60 डिग्री का 1/√2 होता है, और 1/√3, और कॉट 90 डिग्री का वैल्यू, तो इसका वैल्यू 0 होता है। तो यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं सेक थीटा की, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो सेक 0, देखिए सेक थीटा जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा को आप पलटते जाइए, यानी ये 1 है, यहां पे 1 को 1/1 बोल सकते हैं, तो इसको पलट देंगे तब भी 1 ही रहेगा, तो सेक थीटा का वैल्यू 1 ही रहेगा आपका। अब कॉस 30 डिग्री की बात करते हैं, तो कॉस 30 डिग्री को अगर पलट दिया जाए तो क्या बन जाएगा, सेक 30 डिग्री का वैल्यू, यानी 2/√3। इसी तरह से आगे हम लोग कंटिन्यूअस करेंगे कि सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 हो जाएगा, और सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 हो जाए, 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, और सेक 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। अब मैं बात करूं कि साइन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन होता है, तो कोसेक थीटा, तो साइन को पलट दीजिए तो आपका कोसेक थीटा बन जाएगा, तो इसको अगर पलटेंगे तो 1/0, साइन को पलटेंगे तो 1/0 होगा, तो 1 नीचे में अगर 0 है तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, यानी कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 2 होगा, कोसेक 45 डिग्री का √2, कोसेक 60 डिग्री का 2/√3, और कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपका 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 1 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके और फॉर्मूला की, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, इंग्लिश में पी बाई एस यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का वैल्यू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का वैल्यू लंब बटे आधार, और कॉट थीटा का वैल्यू आधार बटे लंब हो जाएगा, और सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो सेक थीटा का वैल्यू होता है आपका आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का कोसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटे लंब इसका हो जाएगा, और मैंने शायद गलत बोल दिया था, कॉट थीटा का आधार बटे कर्ण होगा इसका, आई थिंक सही बोला था। अब बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की, तो पाइथागोरस थ्योरम में आप सभी को पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइपोटेनियस निकालना है तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका वैल्यू हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला ये बस इतना सा त्रिकोणमिति का इतना सा ही पार्ट लेकर के आपका एक चैप्टर बनाया गया है, जिसका नाम दिया गया है
हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अगर इस कोन के थ्रू बात किया जा रहा है, अगर इस कोन के थ्रू यहां से अगर ऊपर की तरफ देखा जा रहा है तो ये कोन आपका क्या कहलाएगा, तो उन्नयन कोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उन्नयन कोन, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। और अगर यहां पे खड़ा होकर के कोई व्यक्ति नीचे की तरफ देख रहा है तो ये जो कोण आपका कहलाएगा वो आपका अवनमन कोण कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। क्लियर है ना? तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं और जल्दी से क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन किस तरह से इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में पूछा जाता है आइए देखते हैं। तो वो क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि एक पेड़ आंधी से टूट गया है, एक पेड़ आंधी से टूट गया है, उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका है और उसकी दूरी जड़ से 30 मीटर है, तदनुसार उस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। देखिए फिगर के थ्रू समझते हैं इसको। ये मान लीजिए कि आपका एक पेड़ है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ऐसा पेड़ नहीं होता लेकिन मान लीजिए ये पेड़ है, पेड़ का हाइट, पेड़ का जो हाइट है, अब आंधी चला तो ये पेड़ टूट गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, बोला गया कि टूट गया, ये नहीं बोला गया कि कबड़ गया। कबड़ने का मतलब होता है जड़ से कबड़ना या जड़ से ये होना, पूरा उखड़ जाना। यहां पे बोला गया टूट गया, यानी बीच में कहीं से टूट गया। तो मान लीजिए कि ये पेड़ पूरा, इसका लंबाई यहां तक था, लेकिन जब ये टूटा तो टूट करके कुछ इस तरह से भूतल से यानी कि जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। यही पेड़ टूट करके ऐसे लद गया जमीन से, ठीक है ना? और इस तरह से वो लदा है कि ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो भूतल से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यही 30 डिग्री आपका यहां पे उन्नयन कोण कहलाएगा। खैर यहां पे उन्नयन कोण दिया नहीं है लेकिन दे दिया गया कि भूतल से, क्लियर है? तो इसका मतलब यहीं पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर कहा गया और उसकी दूरी जड़ से 30 मीटर है, यानी ये आपका पेड़ का जड़ था, यहां से यहां तक का कितना दूरी है, तो 30 मीटर है। तदनुसार उस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, मतलब टूटने से पहले उस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर अगर इसको सीधा, पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा देर रहने देते हैं, इसको अगर सीधा कर देते हैं तो ये पूरा पेड़ का लंबाई है, यानी इसका लंबाई और इसका लंबाई दोनों का लंबाई अगर मिल जाए तो दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा लंबाई मिल जाएगा। अब चाहे परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना हो या हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालना हो, आपको किसी का भी वैल्यू निकालने के लिए दो का वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे अगर हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालना है तो लंब और आधार का वैल्यू पता होना चाहिए। तो आधार का तो वैल्यू पता है लेकिन लंब का पता नहीं है। अगर परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है तो आपको कर्ण और आधार का वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि आपको दोनों का पता नहीं है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे किसी एक का पता होता और आधार का भी पता होता तो आप कर्ण का वैल्यू निकाल लेते। तो ऐसे केसेस के लिए आपका काम आता है त्रिकोणमिति का वो वैल्यू जो मैंने आपको लिखवाया हुआ है। हम लोग एक ऐसा वैल्यू देखते हैं किसके फॉर्मूला में, देखिए ये आधार का वैल्यू दिया गया है तो किसके फॉर्मूला में लंब और आधार आता है, या किसके फॉर्मूला में कर्ण और आधार आता है, ये दोनों में आपको जज करना है, आपको सोचना है कि किसके फॉर्मूला में आता है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार एक किसका होता है, तो टैन थीटा का वैल्यू होता है, कि टैन थीटा का वैल्यू होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार ये होता है। जबकि लंब आपका क्या है, ये वाला पार्ट लंब बन गया है और ये आपका बन गया है कर्ण, है ना? तो लंब बटे आधार, तो यहां पर तो हम कैसे निकाल सकते हैं लंब का वैल्यू, आधार का वैल्यू चलिए पता है लेकिन टैन का तो वैल्यू पता नहीं है। तो यहां पे टैन थीटा का वैल्यू आपको पता है कि थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, 30 डिग्री, इसलिए टैन थीटा ना लिख करके यहां पे क्या लिखना होगा, टैन 30 डिग्री यहां पे लिखना होगा फ्रेंड। अब जब टैन 30 डिग्री यहां पे लिख रहे हैं, अगर यहां पे टैन 30 डिग्री लिख रहे हैं तो क्या अब वैल्यू निकल सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि टैन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√3 होता है, इसका वैल्यू मैंने लिखवाया हुआ है। लंब का वैल्यू आपको पता नहीं है, लंब का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन आधार का वैल्यू पता है कि 30 डिग्री है, आधार का वैल्यू आपको पता है कितना है, तो 30 डिग्री है। तो इस आधार पे आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लंब बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बराबर ये 30 इधर चला जाएगा तो 30/√3 हो जाएगा, यानी 30/√3।
30 बाई रूट थ्री होगा। क्लियर है ना। अब चाहे तो आप इसका भी वैल्यू पता चल गया, इसका भी वैल्यू पता चल गया, तो चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए कि हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, या फिर आप एक ऐसा वैल्यू निकालिए, आप एक आपको एक ऐसा वैल्यू निकालना है कि आपको क्या करना है कि जिसमें कर्ण भी हो और आधार भी हो। तो कर्ण और आधार का किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉस थीटा का वैल्यू में आधार और कर्ण दोनों आता है। तो कॉस, अब थीटा के जगह पे कितना लिखना होगा, 30 ही डिग्री लिखना होगा क्योंकि इसी के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो कॉस 30 डिग्री, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो रूट थ्री बाई टू होता है, होता है ना, रूट थ्री बाई टू होता है कॉस 30 डिग्री का वैल्यू। आधार का वैल्यू 30 डिग्री आपको पता है, डिवाइडेड बाई कर्ण आपको पता नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण बराबर निकालना है तो ये रूट थ्री कर्ण के साथ अभी माना जाएगा और ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी 60 डिवाइडेड बाई रूट थ्री। अब यही लंब और कर्ण मिला करके जब मिला देंगे तो पेड़ का रियल वाला ऊंचाई पहले वाला ऊंचाई मिल जाएगा, तो पहले वाला अगर ऊंचाई निकालना है तो 30 बटे रूट थ्री में क्या ऐड करना है, तो 60 बाई प्लस 60 बाई रूट थ्री, तो इनको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 बाई रूट थ्री। लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह का कोई फॉर्मूला आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ फ्रैक्शन में नहीं है। तो एक बात बताएं आप लोग एक बात बताएं, रूट थ्री को अगर आपको रूट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब थ्री को और क्या लिखा जा सकता है, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं क्या, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट नाइन लिख सकते हैं, क्योंकि रूट नाइन का वैल्यू क्या होता है, थ्री होता है। अब रूट नाइन को क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब रूट थ्री का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो रूट थ्री का स्क्वायर को रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिखा जा सकता है कि नहीं, यानी अगर हम थ्री को चाहें तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं। सिर्फ आपको समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं, रूट थ्री को हम रूट थ्री गुना रूट थ्री लिख सकते हैं, क्योंकि रूट थ्री का स्क्वायर कर देंगे तो थ्री बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, कि थ्री इंटू 30, ये 90 हो बन गया ना, डिवाइडेड बाई रूट थ्री। अब थ्री में दो रूट थ्री छुपा हुआ है, तो एक रूट थ्री इसको काट सकते हैं कि नहीं, ये एक रूट थ्री बार में कटेगा कि नहीं, या अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आइए एक लाइन और बढ़ा देते हैं। ये आपका फिलहाल रूट थ्री है, इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे 3 इंटू 30 लिखे हैं, 3 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 और इंटू 30 यहाँ पे पहले से था, डिवाइडेड बाई रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 30 रूट 3, यानी इसका लंबाई कितना था, तो 30 रूट 3 था। तो उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से बना लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं आज का सेकेंड क्वेश्चन। फ्रेंड देखिए क्या कहता है क्वेश्चन अगला, कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है, तो एक खंभे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है। देखिए उन्नयन कोण यानी जमीन से जब हम कोण को नापते हैं, जैसे ये आपका जमीन है, ये आपका एक खंभा है और ये मान लीजिए जमीन है, अगर यहां से हम उन्नयन कोण नापें, कुछ कोण नापे, तो आप चांद रख के देखिएगा जितना ये कम होते जाएगा, जितना ये कम होगा तो एंगल भी कम होगा, है ना, एंगल कम होगा, ये जितना जितना ये चपटा होगा उतना एंगल कम होगा। तो चपटा कब होगा, अगर इसको मान लीजिए इस पॉइंट से नहीं, इस पॉइंट से उसके खंभे की दूरी अगर नापना है, खंभे का शीर्ष को नापना है, तो क्या ये और चपटा नहीं होगा, आप देखिए ये धीरे धीरे और चपटा होते जाएगा। अगर इसको और दूर हम यहाँ से अगर नाप रहे हैं तो यहाँ से देखेंगे तो ये और चपटा हो जाएगा, फिर यानी धीरे धीरे ये चपटा होते जाएगा, यानी कोण जितना ये दूरी बढ़ाएगा उतना कोण क्या होता है आपका, कम होता है। क्लियर है। और जितना हम इसके पास आएंगे, कोण कम होने का मतलब क्या है, कि जितना दूर से देखेंगे उतना सर को कम उठाना पड़ेगा, यहां से देख रहे हैं तो कुछ कम उठाना पड़ेगा, लेकिन एकदम यहां से देखेंगे तो सर को पूरा उठाना पड़ेगा, कोई खंभा है आप नजदीक से देख रहे हैं तो सर को पूरा उठाना पड़ता है, यानी आपका जो एंगल होगा वो ज्यादा होगा, और दूर से देख रहे हैं तो कम सर को उठाना पड़ेगा, यानी एंगल आपका जो देखने का जो अवनमन कोण जो उन्नयन कोण बनेगा वो आपका क्या बनेगा, कम बनेगा। ये एक कॉन्सेप्ट होता है जो जानना जरूरी था इस क्वेश्चन के लिए। दूसरा के मान लीजिए कि ये आपका सूर्य है,
यहां पे अगर ये आपका सूर्य है और एक ये सूर्य यहां ना हो करके यही सूर्य आपका मान लीजिए कि यहां पे है। अब बताएं कि सूर्य यहां पे रहेगा तब इसका जो परछाई बनेगा इस खंबे का वो ज्यादा बनेगा, ज्यादा लंबा परछाई बनेगा, या सूर्य दूर रहेगा यानी फ्लैट में रहेगा तो ज्यादा लंबा परछाई बनेगा। तो ये सभी लोग प्रैक्टिकल वाली बात है कि आप लोग सभी लोग देखे होंगे कि सुबह में या शाम में हमारा परछाई क्या होता है, लंबा बनता है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य ऊपर की तरफ जाता है ठीक 12 बजे तो परछाई एकदम आप ही के पास रहेगा, है ना। तो जैसे जैसे ऊपर उठेगा वैसे ही क्या होता है कि ऊपर उठते के साथ साथ क्या होता है आपका, तो परछाई छोटा होते जाता है। तो यही इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मान लीजिए ये एक खंभा है आपका। शुरू में खंभे के बारे में बोला गया कि एक खंभे की छाया 5 मीटर कम, शुरू में बोला गया कि सूर्य से उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है। यानी शुरू में कितना था, तो शुरू में ये 30 डिग्री था, शुरू में कितना था तो 30 डिग्री था सूर्य से, है ना, सूर्य से 30 डिग्री था यानी थोड़ा फ्लैट था। फिर ये 60 डिग्री बढ़ जाता है, 60 डिग्री बढ़ जाता है यानी 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा और उठा करके देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब कोण कहाँ पे बन रहा है, जितना एंगल बढ़ेगा वो उतना समझ जाइए कि पास आते जाएगा। अगर 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहा है तो ठीक यहीं पे एकदम आकर के आदमी आ जाएगा, लेकिन फिलहाल 60 डिग्री तक गया। कब ऐसा होता है, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री तक जब होता है तो क्या होता है कि परछाई, शुरू में परछाई इतना लंबा बन रहा था, अब क्या होगा जब 60 डिग्री तक आ गया तो परछाई 5 मीटर क्या होता है, कम हो जाता है। यानी यहां से पहले जितना दूरी था अब क्या होगा 5 मीटर कम हो गया। इसका मतलब यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 5 मीटर है, यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 5 मीटर है। तो अब ये 5 कम होकर के इधर वाला दूरी बच जाएगा। तो इस आधार पर सबको नाम दे दीजिए, ए बी, शुरू में सी था फिर आ गया डी, तो आप नाम दे दिए। नाम देने के बाद आपको ये देखना है कि आपको कैलकुलेशन किसका करना है, तो कैलकुलेशन ये परपेंडिकुलर का यानी खंबे की ऊंचाई निकालना है। तो ये इक्वेशन कहां से मिल सकता है, तो इसका दूरी को आप मान ले कि BD बराबर क्या है, x है। तो अगर यहां से यहां तक का दूरी का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x प्लस 5 मीटर, है ना, तो x प्लस 5 होगा, और यहां से यहां तक का दूरी का बात करेंगे तो सिर्फ x होगा, ऐसा कर सकते हैं ना। तो आइए हम लोग फॉर्मूला को पुट करते हैं, पहले 30 डिग्री से लेते हैं, तो हमें परपेंडिकुलर और बेस के आधार, चूंकि बेस का इंफॉर्मेशन है तो बेस तो लेना ही पड़ेगा, और वैल्यू किसका चाहिए परपेंडिकुलर का, तो परपेंडिकुलर और बेस यानी लंब और आधार किसके फॉर्मूला में आता है, तो टैन के फॉर्मूला में आता है। तो जब टैन के फॉर्मूला में आता है तो टैन, शुरू में 30 डिग्री के आधार पे बनाएंगे, 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटे, लंब का काम कौन करेगा, टैन 30 डिग्री के लिए लंब का काम कौन करेगा, तो ए बी करेगा, और आधार का काम कौन करेगा, चूंकि 30 डिग्री ले रहे हैं यानी यहां से यहां तक का दूरी ले रहे हैं, तो क्या काम करेगा आपका, बी सी काम करेगा पूरा, बी सी। तो टैन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, और ए बी का वैल्यू कितना है, तो कुछ नहीं है, तो इसलिए ए बी का वैल्यू ए बी ही रहने देते हैं। बी सी का वैल्यू कितना है, तो यहां से यहां तक 5 और यहां तक x, यानी x और 5 को मिला देंगे तो बी सी का दूरी बन जाएगा यानी x प्लस 5। इस आधार पे जब आप ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो ये इसको इधर हम भेज देते हैं तो ए बी का वैल्यू निकल जाएगा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बी बराबर हो जाएगा x प्लस 5/√3। ये आपका एक ए बी का वैल्यू निकल गया, क्लियर है। अगेन ए बी का वैल्यू निकालेंगे, फिर से ए बी का वैल्यू निकालेंगे, तो अगेन ए बी का वैल्यू निकालने के लिए फिर से इस बार 60 डिग्री के आधार पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो टेन 60 डिग्री बराबर, तो टैन 60 डिग्री के लिए लंब कौन हो जाएगा, लंब बटे, फॉर्मूला तो वही रहेगा लंब बटे आधार, लेकिन अब लंब का काम कौन करेगा, वही ए बी जो पहले कर रहा था ए बी, लेकिन आधार का काम कौन करेगा, चूंकि 60 डिग्री के आधार पे कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए यहां से यहां तक का ही दूरी आपका आधार कहलाएगा यानी सिर्फ एक्स काम करेगा। तो अब ए बी का एक और वैल्यू निकल के आ रहा है, ए बी बराबर क्या होगा, तो एक्स इंटू टेन 60 डिग्री और टेन, ये दोनों को गुना करेंगे तो ए बी का वैल्यू निकल जाएगा, तो ए बी बराबर क्या होगा, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 और इंटू एक्स, यानी एक्स √3 आप इसको बोल सकते हैं,
एक्स रूट थ्री, तो ए बी का वैल्यू ये भी है, ए बी का वैल्यू ये भी है, तो दोनों जब ए बी का वैल्यू है तो इसका मतलब ए बी दोनों वैल्यू बराबर है, क्योंकि दोनों ए बी का वैल्यू है, तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि ए बी बराबर ए बी। एक बार ए बी का वैल्यू जो नापेंगे, दोबारा नापेंगे तो वही ना वैल्यू आएगा, तो यहां पे देखने में अलग अलग जरूर लग रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी का वैल्यू तो सेम ही होगा, तो आप बोल सकते हो कि x प्लस फाइव डिवाइडेड बाई रूट थ्री वो किसके इक्वल है, तो दूसरा ए बी का वैल्यू कितना आया, तो एक्स रूट थ्री के बराबर है। इस आधार पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्स प्लस फाइव इक्वल टू क्या होगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना, थ्री x हो जाएगा। अब इसको इधर अगर मैं भेज दूं तो कितना हो जाएगा, तीन में से x गया, कितना बचेगा 2x, 2x by 2x equal to 5, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो 5 by 2 निकल जाएगा। तो लीजिए x का वैल्यू आपको आ गया। अब आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर यानी इसका ये खंबे का ऊंचाई निकालना है, यानी ab का वैल्यू निकालना है, तो ab का वैल्यू आप कहीं से भी यहां इस वाले पे पुट करेंगे तब भी ab का वैल्यू आ जाएगा, इस वाले वैल्यू पे पुट करेंगे तब भी ab का वैल्यू आ जाएगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि किस पे पुट करना है, दोनों पे आंसर आएगा। आइए इस पे पुट करते हैं, इस पे ज्यादा आसान लग रहा है। तो ab बराबर क्या हो जाएगा, ab बराबर x का वैल्यू कितना आया, 5 बाई टू, तो x के जगह पे 5 बाई टू और रूट थ्री यहां पे लिख दिए, तो आपका आंसर आ गया 5 रूट थ्री बाई टू आ गया। आप चाहे तो इसमें भी अगर रखते तब भी आपका वैल्यू आ जाता। आइए देखिए कैसे, अगर मैं इस पे वैल्यू रखूं, अगर मैं इस पे वैल्यू रखता हूं तो इस पे अगर वैल्यू रखने के लिए x का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, तो 5 बाई टू प्लस 5 डिवाइडेड बाई रूट थ्री। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 × 5 = 10 और 5 = 15 बटे 2, और ये यहां पे रूट थ्री यहां पे आ जाएगा, तो जब ये रूट थ्री यहां पे आएगा इसको यहां पे लिखते हैं, तो 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 / 2√3, रूट थ्री से ये रूट थ्री बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5√3/2 आपका आंसर आ गया, 5√3/2। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में जितना भी क्वेश्चन है सब इसी तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, सिर्फ लैंग्वेज बदल दिया जाएगा, कभी पेड़ तो कभी सीढ़ी तो कभी खंबा, यही सब आपका चलते रहेगा। बोला गया कि एक सीढ़ी 10 मीटर ऊंचाई पर एक खंबे ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है, यदि सीढ़ी के जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो सीढ़ी के पाद से दीवार की दूरी क्या होगी। देखिए ये आपका मान के चलिए ये दीवार है। अब दीवार पर जब हम लोग सीढ़ी लगाते हैं, लकड़ी का सीढ़ी आपने देखा होगा, तो स्ट्रेट तो नहीं लगाते हैं कि जैसा दीवार है वैसी सीढ़ी जाके खड़ा कर देंगे, थोड़ा सा झुका के लगाते हैं। तो बोला गया है कि दीवार से एक सीढ़ी दीवार से टिकी हुई है, ये आपका लंबा चौड़ा दीवार है। बोला गया कि ये दीवार पूरा दीवार नहीं लिया गया, बोला गया कि एक सीढ़ी जो 10 मीटर पे टिकी हुई है, 10 मीटर ऊंचाई पे, मतलब यहां से यहां तक, यहां से ये दीवाल यहीं पे टिका हुआ है, कितना मीटर में, 10 मीटर की ऊंचाई पे टिका हुआ है, तो आगे वाला दीवाल को खत्म कर देते हैं। और जमीन के, फिर बोला गया यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो सीढ़ी के पाद से यानी कि सतह से, निचली सतह से, निचली सतह को ही पाद बोला जाता है, तो यहां से लेकर के सीढ़ी के पाद से दीवार की दूरी क्या होगी, तो ये वाला दूरी आपको निकालना है, यानी इस बार आपको वैल्यू किसका निकालना है, तो आधार का वैल्यू निकालना है। तो आइए उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग खुद से ट्राई करके बना लेंगे। मैं चाहूंगा कि एक बार देखिए ये दोनों का रिलेशनशिप दिखलाना है, तो लंब और आधार जिसमें आता है उसी में आप, इसमें आपका 90% क्वेश्चन ऐसा होगा जो टेन से ही आपका बनेगा, टेन से, कॉट से, या कभी का आधार आपका ऐसा होगा कि साइन या कॉस से बनेगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि यहां पे ये आपका 10 है और ये यहां एंगल कितना है, रूट थ्री 30 है, तो लंब और आधार किस में आता है, तो टेन में आता है, तो टेन 30 डिग्री की बात करते हैं, टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो लंब बटे आधार, यानी कि ये चलिए लंब बटे आधार लिख देते हैं, ये आधार का आपको वैल्यू निकालना है, ये आधार का आपको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 10 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू लंब, लंब का वैल्यू कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, आधार का वैल्यू आपको पता नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, आधार गुना 1 क्या हो जाएगा आपका, आधार रहेगा बराबर 10 × √3 कितना हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। तो इससे ज्यादा साधारण क्वेश्चन क्या हो सकता है। देखिए फ्रेंड यहां पे इसका वैल्यू याद करने के लिए टेन वगैरह का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, आपका ये बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा आपसे तो आप लोग आसानी से बना लेंगे, और इसी तरह का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो चलिए आज का टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, हम लोग अगले क्लास में फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड बाय, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड, मैं अरशद अय्यूब गुरुकुल कोचिंग का ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं नया टॉपिक आप लोग के सामने लेकर के आया हूं, जिसका नाम है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसे आप लोग DI के नाम से भी जानते होंगे। देखिए फ्रेंड, DI वैसे बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन शायद किन्हीं स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो, इसीलिए बस DI आपका कोई अलग से कोई चैप्टर नहीं है। ये देखा जाए तो परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इन सब बेसिक कैलकुलेशन का मिक्स करके एक चार्ट तैयार किया जाता है, जिसमें इन्हीं चार चैप्टर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एवरेज पूछा जाएगा, परसेंटेज पूछा जाएगा, रेशियो पूछा जाएगा, इंफॉर्मेशन के आधार पे, जिसमें एक इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है और ये इंफॉर्मेशन दे करके 2, 3, 4, 5 इस तरह से 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन इसी के आधार पे आपसे पूछ दिया जाएगा। जैसे ये पाई चार्ट दिया गया है, क्या दिया गया है, 6 अलग अलग विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रतिशतवार विभाजन, और दिया गया है कि शिक्षकों की कुल संख्या 1800 है, यानी टोटल 1800 आपका क्या है, 1800 शिक्षकों की कुल संख्या है। जिसमें एक बार में, चूंकि पाई चार्ट में अगर अच्छा से साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा कैमरे में, तो यहाँ पे एक मर्तबा मैं बोल दे रहा हूं, हिंदी वाले टीचर 8% है टोटल टीचर का, यानी 1800 का 8% हिंदी पढ़ाते हैं, 27% अंग्रेजी, 13% देखिए इसका यहाँ पे लिख दिए हैं गणित पढ़ाते हैं, भौतिकी 17%, रसायन 23% और जीव विज्ञान कितना 18% पढ़ाते हैं। अब इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है कि भौतिक पढ़ाने वाले 2/9 शिक्षक महिलाएं हैं, कितने 2/9 शिक्षक क्या है, महिलाएं हैं। तो भौतिक पढ़ाने वाले पुरुषों की संख्या रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, लगभग कितना प्रतिशत है। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन में डिवाइड वगैरह आप लोग खुद से कर लीजिएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को मैं बताने जा रहा हूं यहां पे कि कैसे इसमें समय बचाया जाता है। आमतौर पे जो समय नहीं बचता है DI में, वो इसलिए नहीं बचता है कि बोला गया कि भौतिक पढ़ाने वाले 2/9 शिक्षक क्या है, महिलाएं हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भौतिक निकालने वाले जो टोटल हैं उसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो आइए अगर मैं बात करूं कि भौतिक पढ़ाने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके आप लोग बताएं। तो यहां पे अगर देखा जाए तो 1800 का 17% भौतिक पढ़ाते हैं, तो 1800 का अगर 17% निकालेंगे तो 1800 का 17% ऐसे ही निकालेंगे, 17% क्या पढ़ा रहे हैं, भौतिक पढ़ा रहे हैं। तो यही है, इसको काट देते हैं। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो यानी 306 हो जाएगा आपका। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 306 आएगा, यानी कि 306 जो आपका 1800 में से 306 लोग जो हैं टीचर, वो किसके हैं, भौतिक के शिक्षक हैं। अब भौतिक के शिक्षक के बारे में बोला गया कि उसमें से भौतिक के जो पढ़ाने वाले हैं उसमें से 2/9 शिक्षक महिलाएं हैं, और आगे बोला गया तो भौतिक पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षक का कैलकुलेशन करना है। तो अब बताएं कि 2/9 अगर महिलाएं हैं तो पुरुष कितनी होंगी, तो 7/9, 9 में से 2 चला गया तो बचा कितना, 7/9। ये सब तो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर ही है, देखिए तभी तो हो जाएगा। टोटल 7 और 2 9 टोटल को अगर 9 माने हैं तो 2 आपका अगर लेडीज हैं तो जेंट्स कितना होंगे, 7 होंगे, तो 7/9, तो 7/9 आपके जेंट्स हैं। तो इसका हम क्या करेंगे कि 7/9 निकाल लेंगे, इसी का हम क्या करते हैं, इसका 7/9 क्या है, पुरुष है, 7/9 पुरुष हैं। तो ये आपका मेल निकल गया किसका, भौतिक का। तो 9 से अगर काटेंगे तो 9 3 27, 9 4 36, आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 28 और 7 3 21 और 2 23, यानी इतना जो टीचर हैं वो भौतिक पढ़ाते हैं और वो मेल हैं। अब इसका हम आपको निकालना है, क्या निकालना है, तो इसका आपको निकालना है 238 का क्या निकालना है, तो 238 का आपको निकालना है परसेंटेज वैल्यू, किसके आधार पे,
तो रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों के आधार पे, तो रसायन कितने शिक्षक पढ़ाते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि 1800 का यानी टोटल का 23% रसायन पढ़ाते हैं, यानी 23/100 करना पड़ेगा, यानी 20 से 20 कट जाएगा, 18 54 और 18 2 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, यानी 441 टीचर हैं, वो क्या किसके टीचर हैं, तो रसायन के हैं। इसमें से मेल और फीमेल को अलग नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों का मेल और फीमेल अलग करके नहीं, तो इसके आधार पे इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है, यानी जिसका परसेंटेज वैल्यू निकालना होता है वो ऊपर लिखते हैं, किसके आधार पे निकालना है, तो 414 के आधार पे निकालना है, इनटू 100 कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, अगर 4 4 8 नहीं कटेगा तो 2 से काटते हैं, 2 2 4 0, 2 7 14, 2 1 2 और 2 1 2 और 2 9 18, यानी कि 119 पे 20 डिवाइडेड बाय 207, इसको आप डिवाइड कर दें आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना लंबा चौड़ा समय आपके पास नहीं है, तो एक बात हमेशा आप लोग ध्यान में रखें कि जब भी आपका परसेंटेज का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है और परसेंटेज वाला वैल्यू दिया जाता है, तो चाहे तो आप इसको नोट कर लें। इसको निकालने का एक तरीका और होता है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो भौतिक का जो निकला परसेंटेज, भौतिक कितना लोग पढ़ा रहे हैं 17%, तो 17% किसका निकला, तो 17% जो आपका निकला है वो किसका निकला है, तो 1800 का, और रसायन यानी जो 23% निकाले वो भी 1800 का ही निकाल रहे हैं। तो दोनों में जब हम डिवाइड करेंगे तो 1800 अगर दोनों को डिवाइड करते हैं, भौतिक डिवाइडेड बाई, अगर भौतिक और रसायन का अनुपात मान निकालना है, तो भौतिक 17% ऑफ किसका, 17% ऑफ 17% किसका, तो 1800 का, कुछ इस तरह से होगा, डिवाइडेड बाई 100, और आपका निकालना है रसायन का, तो रसायन का कितना है, तो 23% किसका, 23% 1800 का बटे 100, तो यहां पर से 1800 बटे 100 दोनों तरफ है, तो ये तो कट ही जाएगा। तो आमतौर पे जो कैलकुलेशन आप करें समय बचाने के लिए, वो जो परसेंटेज वैल्यू है उसी के आधार पे आप सॉल्व करें, आपका आंसर वही आएगा। तो आइए उसी के आधार पे एक बार सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कि क्या आंसर वही आता है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बोला गया कि भौतिक कितने पढ़ाते हैं, तो भौतिक 17 पढ़ाते हैं, 17 भौतिक पढ़ाते हैं, और 17 का 2/9 क्या है, 2/9 फीमेल है, तो मेल कितना होंगी, तो 7/9। तो इसका आपको परसेंटेज वैल्यू निकालना है, किसके आधार पे निकालना है, किसके आधार पे, तो रसायन पढ़ाने वाले के आधार पे, तो रसायन पढ़ाने वाले का परसेंटेज वैल्यू कितना है, तो 23 है, गुना 100 कर दें, आपका आंसर एकदम जो एग्जैक्ट जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आना था एग्जैक्ट वही आंसर आपका आएगा। तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 119/9 नीचे आकर के इससे गुना हो जाएगा ना, तो इससे जब हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 3 27 और 9 2 18 और 2 20, 207 और गुना 100 यहाँ पे पहले से है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11900/207। देखिए यही आया था ना आपका, एग्जैक्ट यही आया था, देखिए यहाँ हल्का सा लिखा हुआ भी है, 11900/207, तो यही वैल्यू आपका आएगा। तो इसलिए आपको पूरा टोटल वैल्यू लेके चलने की जरूरत नहीं है, समय को बचाना है तो आप सिर्फ परसेंटेज वैल्यू भी लेकर के चलेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग टोटल वैल्यू लेके नहीं चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे किस तरह से पूछा जा रहा है कि जीव विज्ञान और हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या का कुल शिक्षकों के साथ क्या अनुपात होगा, यानी जीव विज्ञान और हिंदी, तो जीव विज्ञान और हिंदी कितना पढ़ा रहा है, तो 8-8% पढ़ा रहा है। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये होगा, आपके माइंड में ये होगा कि क्यों ना हम 1800 का 8% का वैल्यू निकाल लें। तो 1800 का 8% का वैल्यू आप क्या करेंगे, निकालेंगे, तो 1800 का 8% ऐसे निकलेगा डिवाइडेड बाई 100, तो ये 20 से 20 कट जाएगा, आपका अगर देखा जाए 146
सॉरी 144, 18 18 कितना होता है आपका, तो 144 होता है। तो ये आपका किसका वैल्यू निकल गया, तो 1800 का 8% यानी कि हिंदी का वैल्यू निकल गया। ये आपका हिंदी हो गया। अब जीव विज्ञान की बात करें यानी बायोलॉजी की बात करें तो जीव विज्ञान भी कितना 8% है, किसका 1800 का ही, तो 1800 का 8% निकालेंगे तो फिर से 144 आएगा। अब ये दोनों का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, हिंदी और बायोलॉजी का टोटल मिला करके कितना हो जाएगा, तो जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 288 हो जाएगा। तो क्या बोला गया है कि जीव विज्ञान और हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या, तो जीव विज्ञान और हिंदी टोटल कितना पढ़ा रहे हैं, 288 कुल संख्या का कुल शिक्षकों के साथ अनुपात निकालना है, यानी किसके साथ अनुपात निकालना है, तो 1800 के साथ आपको अनुपात निकालना है फ्रेंड। तो 1800 के साथ अगर अनुपात निकालना है तो देखिए जो जो कट रहा है आप काटते जाएं, 8 से देखिए काट के 8 3 24 और 8 6 48, 8 से 8 2 16 और 8 2 16 और 8 5 40, क्या अब भी और कट रहा है, नहीं अब नहीं कट रहा है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा कितना, तो 36:225 ऐसे और कटना चाहिए 5 4 9 9 से कट जाएगा, 9 4 36, 9 से 9 2 18 और 9 5 45, हाँ बिल्कुल सही, तो 4:25 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना भी समय नहीं आपको देना है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर तो हिंदी के लिए हिंदी और बायोलॉजी का रेशियो सेम था, इसलिए आपको थोड़ा सा कम समय लगा। लेकिन अगर दोनों का रेशियो अलग अलग होता तो एक बार 8% निकालते और अंग्रेजी के साथ बोलता तो एक बार 27% निकालते, तो इस तरह, और फिर उसके बाद दोनों को जोड़ते, तो इस तरह से आपका समय क्या होता और ज़्यादा लगता, और समय और ज्यादा लगता ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दो तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको टोटल वैल्यू लेकर के चलना है, अगर टोटल वैल्यू लेकर के चलना है तो किस तरह से आप लेकर के चलेंगे, तो आपको क्या करना है नॉर्मली के 1800 का टोटल कितना पर, दोनों 1800 का ही परसेंट निकल रहा है ना, तो 8% प्लस 8% कितना होगा 16%, दोनों का आपको टोटल परसेंट टोटल वैल्यू चाहिए, तो 8 और 8 कितना होगा 16%, तो क्यों ना इसका आप डायरेक्ट 16% निकाल दें, 16% निकाल दें, ये 20 से 20 कट जाएगा, 16 8 16 1 16 और 28 288, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया 288। अब इसका अनुपात आपको निकालना है किसके साथ, तो 288 का अनुपात निकालना है 1800 के साथ, यानी टोटल वैल्यू के साथ। तो ये थोड़ा सा आपको इजी पड़ेगा, लेकिन अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इस तरह में आपको समय, आपका पूरी तरह से समय नहीं बचेगा। आपको अगर पूरी तरह से समय बचाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है फ्रेंड कि आप परसेंटेज वैल्यू के, देखिए 4:25 आंसर आया है ना, चलिए आंसर यहाँ पर लिख देते हैं 4:25। सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि आप परसेंटेज वैल्यू लेकर के चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू, आप जीव विज्ञान और हिंदी का परसेंटेज वैल्यू कितना है, तो जीव विज्ञान और हिंदी का टोटल है 16%, टोटल कितना परसेंट है 16%, रेशियो निकालना है किसके साथ, रेशियो निकालना है तो कुल शिक्षकों के साथ, तो कुल शिक्षक यहाँ 1800 लिखने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ अगर परसेंटेज वैल्यू लिखे हैं तो यहाँ भी तो परसेंटेज वैल्यू ही लिखना पड़ेगा, और टोटल वैल्यू हमेशा कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। इन सबको जोड़ के भी देखिएगा तो आपका 100 ही परसेंट आएगा, तो ये 100% होता है। तो बस इसको सॉल्व कर दे, आपका आंसर आ जाएगा, परसेंट से परसेंट कटा, 4 4 16, 4 से 25 बार में, तो 4:25 यही तो आपका आंसर था ना, 4:25। तो क्या उतना लंबा चौड़ा हम क्यों करने के लिए जाएंगे, उतना लंबा चौड़ा करने के लिए जाइएगा क्या, चाहे तो इसी में हम 4-5 क्वेश्चन बता देते लॉन्ग ट्रिक से, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप लोग कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि परसेंटेज आप सभी को आता है, रेशियो निकालने आप सभी को आता है, लेकिन इसको शॉर्टकट में कैसे किया जाए, इसके कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए ऐसा क्यों हो जाता है, ये समझना ज़्यादा जरूरी है। अब डायरेक्ट सिर्फ हम परसेंटेज वैल्यू निकालें तो कैसे इसका आंसर आ गया, बिल्कुल इसका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैसे इसका आंसर आता है, देखिए ये जो 16% है वो किसका है, तो 16% 1800 का है, तो 16 गुना 1800 बटे 100, 16 का 18% तो ऐसे निकलेगा, और इसका रेशियो किसके साथ निकालना है, तो इसका रेशियो निकालना है आपको 1800 के साथ निकालना है, इसका रेशियो आपको 1800 के साथ निकालना है। तो ये 100 यहाँ ना लिख करके 100 को यहाँ लिख देते हैं, जहाँ पे 1800 से तो 1800 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपका बचा क्या 16 और 100 ही ना बचा, 16 और 100 बच गया। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि अंग्रेजी और हिंदी का अनुपात निकालिए, अंग्रेजी और हिंदी का अनुपात निकालिए, तो डायरेक्ट आपको लिखना है 27:13, यही आंसर हो जाएगा।
अगर आपको इसको शो इसको अगर प्रूव करना है तो ऐसे कीजिए कि हिंदी और भौतिक हिंदी और गणित का अगर निकालना सॉरी अंग्रेजी और गणित का अगर निकालना है तो अंग्रेजी और गणित का कैसे निकलेगा, तो अंग्रेजी का 27% है तो 27% किसका, तो 27% 1800 का है तो डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। उसके बाद अनुपात किसका निकालना है, तो गणित का कितना है 13 है तो किसका 13%, तो 1800 का ही 13%। इन दोनों का आपको अनुपात निकालना है तो 1800 तो ऊपर नीचे दोनों में आएगा क्योंकि 1800 का ही परसेंटेज वैल्यू निकालना है और जब परसेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो 100 भी दोनों में आएगा तो लास्ट में आपका फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा, तो 27 और 13 ही ना बचेगा। तो इसीलिए ये इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ परसेंटेज लेकर के चलना है। परसेंटेज अगर आप यहाँ पे लिख करके चलते हैं तो आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इससे ज्यादा डीआई में कुछ भी नहीं है, बस चार्ट का तरीका आपका अलग अलग बदल जाएगा, कभी स्क्वायर में दे दिया जाएगा कभी कुछ। तो उम्मीद करते हैं कि डीआई का क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटने जा रहा, बस इसमें लोग ये पढ़ना चाहते हैं क्योंकि परसेंटेज सभी का क्लियर होता है, एवरेज सभी का क्लियर होता है, सब कुछ सभी का जो कैलकुलेशन मैंने अब तक पढ़ाया हुआ है वो सभी आप सभी लोगों का क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे समय को कैसे बचाना है बस ये ध्यान में रखना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि परसेंटेज को कभी लेकर के नहीं, परसेंटेज में टोटल वैल्यू को कभी लेकर नहीं चलेंगे। अगर 5 लाख 10 लाख 20 लाख का हिसाब है तो सिर्फ 5, 10 और 20 का हिसाब लेके चलेंगे, लाख को साइड कर देंगे। क्लियर है? तो ये सब कॉन्सेप्ट को लेकर के आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपका डीआई का क्वेश्चन बहुत ही कम समय में बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। चलिए तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।